ये लो साबरा, आज आपके लिए ना स्पेशल पठानियों वाला सूट लेके आया हूँ। पठानियों वाला अच्छा ऐसा जबरदस्त सूट हो है ना, आपने जिंदगी में इस तरह घेरे वाला सूट कभी पहना भी नहीं होगा। अल्लाह का नाम लो साबरा, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह की बंदी। क्या दिन को आपको जो है ना सोने की, ये टाइम दोपहर का टाइम हो रहा है, इतना बड़ा कंबल डाल रही हो, गर्मी से बंदा मरता है। आज बाहर मैं गर्मी फिर है, पंखा चलाऊंगी ना, पंखा क्या चलाओगी, पंखा तो नहीं चला हुआ, ये देखो मैं अभी बंद चलाने है। वाली हूँ, चलाती हूँ फिर चल गया। अल्लाह की बंदी इतनी गर्मी है, अभी पता मेरा नहीं सामान आपको पता क्या क्या। है, सुबह से आज काम करती रही हूँ ना, तो अभी मैं रुकने आई हूँ कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। आप अच्छा इतनी लेट आए हो, आज मैंने खाना खा लिया और अभी आपने खाना, तो आप बताए नहीं, ये कंबल क्यों डाला हुआ है, सर्दी लगती है। असल में मैं अभी नहाई हूँ, जिनको भी थोड़ा सर्दी लगती है, लगती है थोड़ी थोड़ी, बूढ़ी तो नहीं हो रही आप, वो तो है सर्दी हड्डियों हो रही में, हूँ बंदा बूढ़ा हो जाए ना उसको ना, ठीक है ना, गर्मियों में भी सर्दी। मेरी दादी जानती, उसकी उम्र थी, आपको पता है जब उनकी डेथ हुई थी ना, तो उससे 5 साल पहले, 100 तकरीबन यानी कि 10 साल से अबव उनकी उम्र थी, मेरी दादी जान जो थी माशाल्लाह। और मेरे दादा जान की भी अल्हम्दुलिल्लाह 115 साल उम्र रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आखिरी 5 साल आए ना, तो दादी जान जो है ना, वो रज़ाई डाल के ना, ये बड़े वाली रज़ाई, ये तो छोटी है, ये वाली रज़ाई, ये वाली रज़ाई, ये वाली रज़ाई फुल यानी कि 46-47 सेंटीग्रेड दर्जा रात में, गर्मियों में हाँ वो डाल के सोती थी। फिर पता क्या कहती थी, कहती थी जावेद बेटा मेरे को चाय था देवान, तो इतनी चाय भी पीती थी, मतलब जो है ना उनको सर्दी लगती थी। ठीक है, जब आपका बंदा अगर, बूढ़ा हो जाता है ना, मेरी उसको बात सर्दी सुनो, लगती है आपका अगर वही हाल होने वाला है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं कोई इंतजाम करूँ और रजाइयों का। तो मुझे क्या है। तो अपने बहन भाइयों से कोई सलाम दुआ नहीं किया जनाब? अस्सलाम वालेकुम, खैर बहन भाई क्या हाल है, ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सॉरी कि हम हाँ इतनी लेट, सच में मुझे याद नहीं रहा, बस बात बात में भूल ही गई कि व्लॉग भी हम बना रहे हैं, गपशप सिर्फ नहीं कह रहे। चलें जी वीडियो हम शुरू करते हैं, तो वीडियो से जुड़े रहना है। वीडियो भी बिल्कुल छोटी सी होगी क्योंकि अभी दिन का टाइम हो रहा है, तो हाँ हमें शाम को थोड़ा जो हमारा व्लॉग आएगा इंशाल्लाह वो बाहर का आएगा, तो अभी छोटी सी वीडियो है, इसको कंप्लीट जरूर देखें, इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट की हमारे हमें चैनल को जरूरत है, सब्सक्राइब करें और अल्लाह ताला आप लोगों को और खुश हमारी रखे, वीडियो को आबाद लाइक जरूर कर रखे, रहे हैं। आमीन सुमामी। चले और ना अभी मुझे लगता है ये मेरे कपड़े सिलाई के लिए गए हुए, तो वो लेके आए हैं, जी, तो और भी कुछ नजर आ रहा है। हाँ कुछ सामान वगैरह आपका जो जरूरत का था वो ले आया हूँ, चले अम्मी वो के लिए मैं भी कुछ देखती फ्रूट ले हूँ, आया आपको हूँ। भी दिखाती हूँ। जी चलो जी अभी मैं आपको सामान दिखाती हूँ जो लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो ये क्रीम जो है ना पार्ले, जी, ये मैं अक्सर इस्तेमाल सिर्फ यही करती हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं। ये नाइट क्रीम है ये तो कुछ बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता जो है, बहन भाई इस्तेमाल करना चाहते हैं ये देख काफी लें। बार पूछा है तो मैंने इसलिए बार बार दिखवा और दिया। बेगम का चेहरा जो है ना 15 दिन से ब्लैक थोड़ा हो गया है, 15 दिन से पंद्रह खत्म थी, इस वजह से ली नहीं दिन है, इसने याद ही ली नहीं नहीं था। है, लेकिन आई डोंट थिंक सो के आपका चेहरे को इतना कोई फर्क पड़ा है। नहीं इससे पता ये क्या होता है, ये नहीं कि इससे चेहरा गोरा होता है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस ये कि चेहरा सही रहता है, हाँ सही रहता नरम है, मुलायम रहता है। ये नहीं होता कि सर्दियों में वो खराब हो जाते हैं ना चेहरे, ऐसा नहीं होता, तो इससे बिल्कुल सही रहता है। तो जिया 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 आप लोग भी जिया जरूर देखना है, जी हाँ इससे जी लेना हाँ है, और अच्छा लगे ना तो बताना है। जी, तो उसके अलावा ये क्रीम जो है ना, ये मेरे हस्बैंड जी लगाते हैं अल्लाह का नाम लो साबरा। झूठ नहीं बोल रहे हो, अच्छा 45 साल कभी से कभी आपके कभी काबिल कभी, एतमाद ब्रांड, अच्छा 45 साल से। हाँ मुझे तो वैसे 1 साल 2 साल हो गए हैं, कभी अच्छा कभी कभी कभी। कभी कभी। और जी उसके अलावा मैंने सिलाई करवाया है नया सूट, एक लिया था पहले मैंने आपको दिखाया था लाल कलर का, तो वो ये देखिए इसकी मैंने गोल कटाई करवाई है, ये देखें घेरे की, ये क्या कोई, ये सड़क की उधर ये गोल, रेगिस्तान वाला डिजाइन ये है? गोल कटाई कराई ना, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा ये और गोल बार बार कटिंग, साइड से इसने जो है ना शीशे लगाए हैं, ये देखो अच्छा सही है प्रेस नहीं हुआ बाकी सही है, सही है। प्रेस प्रेस फिर दोबारा से कर दूंगी, गला कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, नहीं ये जब पहनोगे ना सही लगेगा, आई थिंक ज्यादा बड़ा है, नहीं नहीं बराबर है। सेट करना पड़ेगा इसको।
चलो तो फिर देख लेंगे, अगर बड़ा हुआ तो उसे कह देंगे कुछ जी सा। तो उसके साथ भी ना गोल घेरा ना, उसके साथ मैंने शलवार ट्राउजर बनवा लिया। ये डिजाइन है, हाँ डिजाइन मतलब ये वाला कलर और ये वाला कलर कॉम्बिनेशन इनका बहुत ही अच्छा है। हाँ रहेगा तो ये कमीज है ना, तो इसका दुपट्टा जो है ना वो इस कलर का है, जी। बिल्कुल इस कलर का। वो दुपट्टा भी है ना साथ हाँ साबरा, वो उधर अलमारी में वो पड़ा भी है, दिखा दो बहन भाइयों आपको को, इस दिखा पूरे दूँ। सूट को दिखा दो। हाँ तो जी ये उसका दुपट्टा है, तो साबरा ने पहले दुपट्टे घर ले आई है। दुपट्टा असल में क्या थे कि इसका ये पीको नहीं था ना, तो इसकी पीको मैंने खुद कराई है। ये देखो जी सही हो गया, तो ये इसके साथ का दुपट्टा है, हाँ जी मैचिंग हो और मुझे जाएगा। अच्छा लगता है कि सिंपल कपड़े हो ना तो उस पर थोड़ा डिजाइनिंग करवा के मैं खुद सिलाई करवा लूँ, फिर मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा तो इसका ये कपड़ा जो है ना लूँ। साबरा का सूट हो गया कंप्लीट, हाँ अब ये प्रेस होगा फिर जो है ना पहन के फिर ये इंशाल्लाह। वाली मैंने उसको मना किया था, फिर उसने लगा दिया। चलो कोई बात नहीं है, कुछ उनको अपने तरीके से भी काम करने दिया करो, नहीं ये ऐसे में पता क्या है, खराब हो जाती, फिर सारा सूट ही खराब हो अल्लाह जाता। करम करेगा। और ये क्या है, ये बस पसंद आ गया, मैंने कहा वैसे शूज हैं तो सही आपके पहले भी, ओहो तो मुझे पसंद आ गया, मैंने कहा साबरा के लिए ये शूज डिजाइन तो मेरे लेता पहले जाऊं। भी काफी सारे पड़े हैं, पहन पहन के लीजिए बहुत देखूं। अच्छा लगेगा, पहनो ये देखो, ये है तो वैसे रफ घर के सही लिए है, लेकिन आई थिंक ये आप पहनोगी ना बहुत अच्छा लगेगा। ये हाँ सही है। दूसरा वो भी पहन लो आप, चलो पहन लो उसको उतार लो कोई बात नहीं है, एक्स्ट्रा पड़ी भी रहेगी तो क्या हो जाएगा। देखिए जी वैसे ये माशाल्लाह, सही है, उसका मुंह खुला है, इसका नहीं है नहीं ये। ये थोड़ा पुरानी हो गई है ना, और हाँ इसका डिजाइन और है, उसका डिजाइन और है, बिग ये ज्यादा डिफरेंस प्यारी है। है हाँ ना। ये सही है। तो जी अभी इन कपड़ों को रखते हैं सब करके, अभी शॉपर में ना रख दूँ, कौन सा भी पहनना है इसमें। नहीं प्रेस करके रखा करो कपड़े, नहीं अभी नहीं पहनना है ना, चलें जी ठीक है। ये नाप के लिए किए थे। अभी बताओ, आप कह रहे थे कि गर्मी अब सर्दी लग रही है मुझे तो नहीं लग रही माशाल्लाह, ये देखो पंखा चल रहा है, आप बहुत अच्छा लग ठंडक रहा है। है, वैसे ये ना कहो ठंडक नहीं है, नहीं ठंडक है। ठंडक इतनी इतनी भी नहीं है जितनी आप कह रही हो, कि ऐसे पता लगता है कि बाहर बर्फबारी हो रही है। और आज मैं आपको इधर दिखाता दिखाती हूँ, हूँ अचार, हाँ मजे मजे का अचार। ये हमने लिया है जी एक चक से, ले आओ साबरा आगे। ये देखो इधर आगे आ जाओ, अच्छा ये देखें ये जी हमने अचार लिया है देसी, इमली है और हरी मिर्च है और लीमू है, और इसके अलावा ये मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली चीज, लसूड़ा, ये ये मैं बड़े शौक से खाती हूँ। जी, और ये हमने मंगवाया है एक चक से देसी, हाँ जो हमने रखा हुआ है थोड़ा सा ना, जब हम खाना खाते हैं ना थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा इधर से ले जाती है साबरा, ये देखिए अपने सरामदे के साथ रखा हुआ है, वाह। नहीं फिर उसको बंद जगह करके ना तो खराब हो जाता है ना, तो इस तरह से हवा भी आती है हाँ सही बात लेकर। है, चलें जी चलिए जी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप कह रहे थे कि कोई फ्रूट लेकर आए, वो किधर है। वो अम्मी को दे दिए अभी। अच्छा चलिए जी, अपना ख्याल रखिए, अपने साथियों का ख्याल रखिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो इंशाल्लाह आप सब हमारे से शेयर करेंगे। तो एक खास बात और भी शेयर करनी थी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी टाइम काफी हो रहा है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। ओके जी अल्लाह हाफिज़।